भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है। आधुनिक साइंस राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ। शिक्षा व्यवस्था में आपके योगदान के लिए आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। संयोग से आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने और टीचर्स ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पर उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं यहां आने के पहले पास के पेवेलियन में लगी रही प्रदर्शनी देख रहा था। इस प्रदर्शनी में हमारे स्किल और एजुकेशन सेक्टर की ताकत को, उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया, नए नए इनोवेटिव तरीके दिखाए गए। मुझे वहां बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मौका मिले तो जरूर वहां जाकर के इन सारी गतिविधियों को देखें। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक, उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित है। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है।
पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है, बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही है और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो वहां ज्यादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहां इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों न हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है। आज आजादी के अमृतकाल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी, लगेगी, साथियों अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी
भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। और इसका एक और लाभ देश को होगा, भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आने वाले 25 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 25 सालों में हमें ऊर्जा से भरी एक युवा पीढ़ी का निर्माण करना है, एक ऐसी पीढ़ी जो गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, एक ऐसी पीढ़ी जो नए नए इनोवेशंस के लिए लालायित हो, एक ऐसी पीढ़ी जो साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करे, भारत का नाम आगे बढ़ाए। एक ऐसी पीढ़ी जो 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को समझते हुए अपना सामर्थ्य बढ़ाए, और एक ऐसी पीढ़ी जो कर्तव्य बोध से भरी हुई हो, अपने दायित्व को जानती हो, समझती हो। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। आप देखिए, पहले कितने ही बच्चे केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं होते थे, लेकिन आज देशभर में हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर
अपग्रेड किया जा रहा है। 5G के इस युग में ये आधुनिक हाईटेक स्कूल भारत के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का माध्यम बनेंगे। आज आदिवासी इलाकों में एकलव्य आदिवासी स्कूल भी खोले जा रहे हैं। आज गांव-गांव इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे माध्यमों से दूर दराज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी किताबें, क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स हो, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए गांव-गांव ये नए विचार, नई व्यवस्था, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यानी भारत में पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधनों का गैप भी तेजी से खत्म हो रहा है। साथियों, आप जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बड़ी प्राथमिकता ये भी है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग इसका हिस्सा बने। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने का काम भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ कमजोर, पिछड़े और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ज्यादा होगा। किताबी पढ़ाई के बोझ के कारण यही बच्चे सबसे ज्यादा पिछड़ते थे, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब नए तरीकों से पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई इंटरैक्टिव भी होगी, साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगी। पहले लैब और प्रैक्टिकल की सुविधा बहुत ही कम स्कूलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब अटल टिंकरिंग लैब्स में 75 लाख से ज्यादा बच्चे साइंस और इनोवेशन सीख रहे हैं। साइंस अब सबके लिए समान रूप से सुलभ हो रही है। यही नन्हे वैज्ञानिक आगे चलकर देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे, भारत को दुनिया का रिसर्च हब बनाएंगे। साथियों, किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है, और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्वास भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। आज दुनिया जानती है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है। दुनिया जानती है कि जब स्पेस टेक की बात होगी तो भारत की क्षमता का मुकाबला आसान नहीं है। दुनिया जानती है कि जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात होगी तो भारत का लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी का मॉडल भी हिट होने वाला है। दुनिया के इस भरोसे को हमें कमजोर नहीं पड़ने देना है। बीते वर्षों में जिस तेजी से भारत की औद्योगिक साख बढ़ी है, जिस तेजी से हमारे स्टार्टअप की धमक दुनिया में बढ़ी है,
उसने हमारी शैक्षणिक संस्थाओं का सम्मान भी विश्व भर में बढ़ाया है। तमाम ग्लोबल रैंकिंग्स में इंडियन इंस्टीट्यूट्स की संख्या बढ़ रही है, हमारी रैंकिंग में भी इजाफा हो रहा है। आज हमारे आईआईटी के दो दो कैंपस जंजीबार और अबू धाबी में खुल रहे हैं। कई दूसरे देश भी अपने यहां हमसे आईआईटी कैंपस खोलने का आग्रह कर रहे हैं।